हाफ पहने हुए जो खड़े हैं आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। दूसरे नंबर पंडाल के कोने से आ जाइए, लाल शर्ट में जो सबसे कोने में लास्ट की तरफ में दाब अंकल जी के बगल में खड़े हुए हैं। हाँ भेजो, आओ बदमाश आदमी। हम तो मजाक में बोल देते हैं, हमारी बातों का बुरा मत माना करो, हमारा स्वभाव है सब राम, गुरुजी सीताराम, बागेश्वर धाम की। हाँ तुम क्या कह रहे हो कि हमें नहीं बुला पाएंगे क्या? आ जाओ सामने, जो लाल तौलिया बांधे हुए हैं पिलर से एकदम टिके हो चिपके बंधे भाई जेल जैसे। हाँ आ जाओ, यस आ जा, लास्ट में वो लाल तौलिया बांधे हुए, यस 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 यस, हाथ मत हिला, भगता बीच में हो, आ जा बच्चा, जो बच्चा को लेकर के आ रहे हैं इनको आने देना, जो भी सेवादान आ जा। कहां से हैं? अच्छा पहली बार आए हैं क्या? अच्छा अरे वाह, अरे वाह, माइक ले लो, ये बात आप माइक से ही सब बोलें। आपको हजारों बार कुछ भी मांगा है तो जगह पे मेरे को मिला है। ओ कब से जुड़े हैं आप? मैं 14 फरवरी से। और 14 फरवरी 22 के एक 23 अपना। अच्छा 23 में, यानी एक साल होने वाला है। हाँ। आपकी और बागेश्वर बालाजी की इतनी कृपा है कि शब्दों में बता नहीं सकता मैं। बागेश्वर धाम की ऐसे ही बनी रहे, जैसी तुम्हारी सुनी बालाजी ने वैसी सबकी सुने। थोड़ा नजदीक आ जाओ, क्या समाधान आप पाना चाहते हैं? वो थोड़ा बिजनेस का थोड़ा स्लैक चल रहा है। काय का काम है? स्टोन क्रशर का काम है, स्टोन क्रशर, ये पत्थर वाला, पत्थर वाला ठीक, और गिट्टी वाला, हो गिट्टी वाला। हाँ और बच्चों का थोड़ा बीमार है, बच्चा भी उसका, हमने ऐसा लिखा, सभी सुखी रहें, बच्चा बीमार है, कृपा हो जाएगी, बच्ची पर भी दया हो जाएगी। पत्थर व गिट्टी का काम है, मध्यम चल रहा है, बंधन किया गया, बांधा गया टोटका द्वारा, 2024 के सातवें महीने से तेज गति पकड़ लेगा, आशीर्वाद है। साधु जी सितारा बालक आया, आए यहाँ, थोड़ा सा एक उनका हम एक उपाय कर देते हैं। और ये बच्ची है, ये बागेश्वर धाम से रिमोट कंट्रोल मिला है, मैं कुछ भी गलत करने को लगूं तो ये संभाल लेती है। वाह चलो खूब भक्ति बढ़े। हमें आपको एक आपको उपाय करना है, लाल रंग का झंडा आपको शनिवार के दिन वहां पर बांधना है, लगाना है, वा हनुमान जी महाराज को 108 पान पत्ता, बंगला पान जानते हो, पान पत्ता सूखा पान पत्ता की माला, 108 पान पत्ता की माला बनाकर उसमें राम राम लिख करके आपको शनिवार को चढ़ाना है। 7 शनिवार आप यह उपाय करके देख लीजिए, 4 शनिवार में ही तुम्हारी गाड़ी दौड़ने लगेगी, आशीर्वाद है। जो कंपटीशन में बहुत ज्यादा विवाद बना रहे हैं और उन्हीं के द्वारा यह उपद्रव किया गया है, वही लगातार पीछे लगे हुए हैं, परिवार के जिस सदस्य पर तुम्हारा शक है वह भी सत्य है, लेकिन उसको भी उत्तर मिल जाएगा, चिंता ना करें। एवं नया काम अलग से जो दुकान आपको डालना है, टाइल्स का फैक्ट्री अगर आप डालें उसमें आप सफल हो जाएंगे, कंस्ट्रक्शन का काम रुक कर करना, जाओ आज से ही रास्ते खुलेंगे, आशीर्वाद है। साधु जी सीताराम, कोई संदेह? मैंने 40 दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया, अनुष्ठान किया, बहुत अच्छा, करते रहो बीच बीच में, खूब सेवा करो, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। ठीक,
हाँ बेटी कोई बात? कुछ ऐसी बात है जो माइक से नहीं बोलनी थी हमें, तो हम धर्मा धाम पर दरबार में हम आपके पिताजी को संकेत दे देंगे, क्योंकि जो माइक से आप कहो तो हम माइक से भी बोल दें, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें बोलने में दें। चूंकि लड़ाई इसलिए होती है कि आपकी माताजी पे चरित्र का आरोप लगा, बराबर जी गुरुजी, ये कारण है, इसलिए थोड़ा सा हम माइक से अभी वर्जित हैं। हाँ हाँ, हम पे छोड़ो, हम धाम पे डांट देंगे, आशीर्वाद, खूब खुश रहे। सीताराम गुरुजी। सीताराम, हाँ खेड़ी, उड़खेड़ी कहाँ पड़ता है? नांदेड़ जिला। ओ माइक ले सकते हो? राम पढ़े लिखे तो आप हैं जी गुरुजी, हिंदी पढ़ लेते हैं जी गुरुजी। अपना नाम या आपने अपना विषय किसी को यहाँ बताया तो नहीं? नहीं गुरुजी, नहीं। आप अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गए? नहीं गुरुजी। ठीक है, हमें जो आज्ञा लगी हमने लिखा, क्या समाधान आप पाना चाहते हैं पूछिए। गुरुजी घर में सब सुखी रहे और मुझसे कोई दुर्व्यवहार ना हो, बस यही हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना। और कुछ है जी? एक प्रश्न और है, माता जी को क्या हुआ था और पिताजी की तबीयत? मैं छोटा था, भैया छोटे थे, तब से बहुत घर में। माता जी का रहस्य जानना चाहते हैं जी गुरुजी, क्या हो गया था उनको? उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया। अच्छा जी, तो उसके बारे में आप क्या डिटेल हमसे चाहते हैं? वो लिख कर आया है जी उनको, आपने ऐसा कहा है अर्जी में, गलत बोला हो पता नहीं हमें, सही बोला हो, हम सही बोले या गलत, आपके पास माइक है, आपको टोकना, थोड़ा नजदीक आए। यहाँ से हमने शुरू किया, घर में विघ्न ना बने, यहाँ पढ़ते जाना है, सुख शांति रहे, बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस बना हुआ है, कृपा हो जाएगी। 12 वर्ष 12.5 साल पहले से पिताजी को शरीर में दिक्कत बनी हुई है, बीमार लगातार बने हुए हैं, स्वस्थ होंगे। माँ के बारे में पूछने आए हैं, क्या उनके ऊपर तंत्र मंत्र या मारण तो नहीं हुआ था? आपने ऐसी अर्जी लगाई, नहीं हुआ था, गांठ के कारण वह घटना हुई है, इसलिए तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़े और जाओ, सदा बालाजी से जुड़े रहोगे, आशीर्वाद है। जय श्री राम। क्या यही प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे जी गुरु? बराबर जी है गुरु जी। ये मंत्र है पिताजी के लिए, एक बार उनको हमारे पास में भेजना है जी गुरु जी। पूरे शरीर में उनको जकड़न होती है जी गुरु जी, और पूर्व में कम था, वर्तमान में 12 वर्ष 6 माह से बढ़ गया है जी। हाँ, अच्छा, एक काम भी प्रारंभ कर रहे हैं, आज्ञा है, एक साल का समय लगेगा जी गुरुजी, आय का स्रोत बढ़ जाएगा, दुकान थोक का कोई डाल दो तो बढ़िया है, अभी तो सेल्फिश काम कर रहे हैं जी गुरुजी, ठीक है, दुकान अगर डाल दो तो और ज्यादा आय के स्रोत बढ़ जाएंगे। और कोई तंत्र मंत्र नहीं है, लेकिन आप अपने कुल देवताओं की पूजा छोड़ रहे हैं, उन पर बहुत ज्यादा फोकस करें। 4 साल आपने कुल देवताओं की पूजा नहीं की है, परिवार का कोई चाचा सदस्य में उनके घर पर पूजा हो रही है, तुम्हारे यहाँ नहीं हो रही है। पुराने वाले मकान में कुल देवता है, पुराने वाला मकान में 2 कमरे वर्तमान में बने हुए हैं, 2 कमरे में बगल बाएं वाले कमरा जहां इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है वहां पर पूजा वर्तमान में हो रही है, आप भी उनकी पूजा करें, परिवार प्रसन्न रहेगा, आशीर्वाद। जय श्री राम। क्या कोई बात गलत? नहीं गुरुजी, नहीं। कोई बात में संदेह? कोई संदेह नहीं। जाओ, सदा जीवन भर बालाजी से जुड़े रहो। इसमें एक हमने मंत्र विधि भी लिखी, उस कार्य के बारे में भी हमने विवरण जो हमें सन्यासी बाबा ने दिया। आप धाम आएंगे, हम आपको बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का अभिमंत्रित कवच दे देंगे जी गुरुजी, और ये पर्चा है, और जाओ, जय जय रहेगी, आशीर्वाद। तो पिताजी को मंत्र चिकित्सा के लिए लाना पड़ेगा जी गुरुजी। अभी तो भभूति ले जाओ, वहाँ पंडित जी विभूति देंगे जी, उसका प्रयोग करना, और जो मंत्र है उसका प्रयोग करना, हनुमान जी से प्रार्थना करना, और डॉक्टर की सलाह भी बंद मत करना, वो स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा आशीर्वाद जी गुरुजी।
अच्छा तुम्हारी बुरा ना माने तो हम एक शक और दूर कर दें, तुम्हारी जो इनके ऊपर बार बार शक जाती है तंत्र मंत्र करवाने की, ये गलत है सीताराम, समझ गए? जी हाँ। देखो सांप भी मर गो, लाठी भी नहीं गुरुजी, अब माइक से बता देते भी हमारे खिलाफ केस कर देती। हमने बंदे को बता भी दिया, काम भी हो गया, गुरु बहुत ऊंचा है प्यारे। सही, सही गुरुजी, सही। सीताराम, पहले हम थे बुद्धू, पहले थे हम बच्चे, हम पहले क्या करते थे, माइक से नाम बता देते थे, तो लोग क्या करते थे, हमारे खिलाफ मुकदमा कर देते थे, दो तीन बार तो हमें अदालत भी जाना पड़ा, भगवान की कृपा है जीत के आए। लेकिन फिर एक जज मिले हमें बहुत प्यारे, उन्होंने कहा गुरुजी आप इन लफड़ों में मत पड़ो, नाम बताया करो, लिख के दे दिया करो, माइक बंदी कर दिया करो।